हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। में बॉलीवुड में अभिनेताओं की नई कतार है जो अपना नाम फिल्म जगत में स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हीं अभिनेताओं के बीच एक ऐसा नाम भी है जिसने बेहद कम समय में बॉलीवुड में एक के बाद एक सफल फिल्में दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनेता वरुण धवन के बारे में, जो बॉलीवुड में आए नए कलाकारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक चॉकलेटी बॉय की इमेज वाले हीरो नहीं है, गंभीर किरदार भी वो बखूबी निभा सकते हैं। उनके बचपन की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये मासूम सा बच्चा आज बॉलीवुड में युवा दिलों की धड़कन बन चुका है। वरुण का जन्म 24 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनकी माँ का नाम करुणा धवन और भाई का नाम रोहित धवन है। वरुण धवन आज पूरे इंडस्ट्री में अपने स्टाइल और यूनिक एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आपको इस बात से हैरानी होगी कि वरुण को बॉलीवुड में एक्टिंग करने का इरादा ही नहीं था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण अपनी मां का कहा मानकर बैंक में जॉब करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने कई विदेशी बैंकों में जॉब की अर्जी भी दे रखी थी, पर वरुण ने करण जौहर के साथ माय नेम इज खान में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और तभी इनकी रुचि फिल्मों में हो गई। बाद में करण जौहर की ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से वरुण ने अपने कैरियर की शुरुआत की और आज इनकी हर फिल्म 100 करोड़ से भी अधिक की कमाई करती है। इनकी आखिरी फिल्म जुड़वा 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। बॉलीवुड में भी वरुण के चाहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि हर बड़ा निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने को बेताब है। आप कह सकते हैं कि वरुण धवन का नाम इस वक्त फिल्म हिट कराने की गारंटी बन चुका है।